चुनाव से पहले आदिवासियों के चर्चित संगठन जयस में एका हो गया है। जयस के सभी गुटों के जुड़ने से ये संगठन आदिवासी बहुल इलाकों में भाजपा और कांग्रेस का गणित बिगाड़ सकता है। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के सबसे चर्चित संगठन जय आदिवासी युवा शक्ति जयस में कई सालों से चला आ रहा विवाद अब समाप्त हो गया है। जयस के बीच में कई सारी खींचतान थी जो पूरी तरह से खत्म हो गई है। खलघाट में हुई लंबी बैठक में जयस के संस्थापक सदस्यों के साथ मनावर विधायक डॉक्टर हीरालाल अलाव शामिल हुए। 7 घंटे तक चली इस बैठक में तय हुआ कि आदिवासियों के मामलों का फैसला गैर आदिवासी नहीं करेंगे। सामाजिक और राजनीतिक निर्णय आदिवासियों और जयस के पदाधिकारियों की सहमति से लिए जाएंगे। बैठक में विधायक हीरालाल अलाव ने कहा कि आदिवासी भाई एकजुट हैं। बैठक में तय हुआ कि आगामी विधानसभा चुनाव में जयस स्वतंत्र रूप से अपने प्रत्याशी उतारेगी। चुनाव लड़ाने के लिए पार्टी को राजनीतिक दल का गठन करने या अन्य किसी छोटे दल के सिंबल पर चुनाव लड़ाया जाएगा, इसको लेकर जल्दी फैसला होगा। लेकिन जयस के अधिकांश पदाधिकारियों ने एक राय होकर ये कहा कि बीजेपी और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने से बेहतर होगा कि जयस स्वतंत्र रूप से अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे। अगर ऐसा होता है तो आप मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जिन इलाकों में आदिवासी बाहुल हैं या आदिवासियों का वोट जहां ज्यादा है, वहां जयस बीजेपी और कांग्रेस के लिए संकट खड़ा कर देगी। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।